मेरा शुरू से यह मानना रहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का बहुत बड़ा और समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आयु सदैव जो है वो मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसा समाज होगा वैसे बच्चे होंगे, जैसा खेत होगा वैसा फसल होगा। लेकिन खेत जहाँ अगर बंजर है, उर्वरा शक्ति उसमें डाल करके उसको उपजाऊ बना करके जिस तरह से हम फसल अच्छा उपजा लेते हैं, उसी तरह से हमको खुद को समाज को ऐसा बनाना होगा कि बच्चे हमारे जो है इसमें से निकले तो वो समाज के लिए वट वृक्ष के रूप में वो विकसित हो सके। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बाल गृह में ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है, कहीं ये झाड़ी में फेंक दिए गए मिले हैं, कहीं हॉस्पिटल के गेट पे मिले हैं, कहीं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में मिले हैं। तो हम जो शुरू में इतिहास बताया आपको कि एक ऐसे बच्चे, महाभारत में कर्ण की चर्चा आती है लेकिन मृत्यु के पश्चात कुंती उसकी सामने आ जाती है कि मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इनका भविष्य अधर में है कि इनको ऐसी कुंती सामने आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो हम ऐसे बच्चों को राज्य सरकार के भरोसे केवल नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकार भले इनके लालन पालन के लिए पैसे दे रही है, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, आत्मबल, इनका मानसिक विकास के लिए हमें समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और इनके विकास के लिए हमें सहयोग करना होगा, इनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करनी होगी, तभी जाकर ये बच्चे जो है ये विकास इनका सही रूप से मानसिक